सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कबूतर अपने उड़ा के, और जिसमें से हमारे बहुत सारे घर के बच्चे भी रहेंगे, मतलब बहुत सारे क्या सभी कह लो, सिर्फ एक को छोड़ के, जो एक प्योर वाइट कलर में बेदाग बोलो कागजी बोलो जो कबूतर निकला है, उस कबूतर को नहीं उड़ाएंगे और सबको उड़ाएंगे। इसलिए उस कबूतर को गाइस नहीं उड़ाएंगे क्योंकि वो कबूतर काफ़ी बढ़िया कबूतर है और अभी इस समय पे वो थोड़ा इधर उधर, मतलब कबूतरों के साथ में नहीं उड़ता है, इधर उधर होने लगता है। इसलिए उसको कुछ टाइम के लिए रोकेंगे, उसके बाद उड़ाएंगे, ठीक है। और जो कलसरा बच्चे का मैंने फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसको भाई आज उड़ाएंगे। बहुत सारे भाई ने बोला था कि भाई इस बच्चे की उड़ान दिखाना, तो दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही होगा ठंडी का मौसम चल रहा है, तो भाई जो कबूतर आसमान में चला जाता है ना, तो चिलबेरी काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं, और ये बच्चा अभी तक एक भी बार उड़ा भी नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब पहली बार बच्चों को उड़ाया करो तो उसमें कुछ ऐसे कबूतर छोड़ दिया करो कि ज़्यादा ऊपर ना ले जाएँ। तो हम लोग ने भी 2-3 कबूतर ऐसे रखे हैं जो, मतलब ऐसा नहीं कि नीचे नीचे उड़ाएंगे, अच्छा हाइट पर ले जाएंगे, लेकिन जो कबूतर आसमान बंद हो जाता है वो नहीं होने देंगे। इससे पिछले वाली वीडियो मैंने एक उड़ान की शेयर की थी, आपने देखा होगा सारे के सारे कबूतर आसमान बंद हो गए थे। लेकिन इस वीडियो में गाइस कोई कबूतर को आसमान बंद नहीं कराएंगे, टुकड़ी में उड़ाएंगे, ठीक है। और आप लोग देखना कैसे कबूतर उड़ते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा आपको वीडियो देख के, ठीक है। और यही वाला कलसरा बच्चा है, इसको उड़ाएंगे हम लोग ये। तो दोस्तों, जो 2-3 कबूतर होते हैं आपको भी ऐसा रखना चाहिए क्या, जब पहली बार बच्चों बच्चों को उड़ाओ तो उनके साथ उड़ाना चाहिए जो ज़्यादा हाइट में ना ले जाए, ठीक है। इनमें से भी कुछ अभी 2-3 बच्चे हैं जो 0 कली के हैं, तो उड़ाते हैं फिर दिखाते हैं। गाइस, एक वीडियो ऐसा बनाएंगे उड़ान का जिसमें सिर्फ अपने घर के पट्ठे उड़ाएंगे और कोई कबूतर नहीं, सिर्फ अपने घर के पट्ठे जो बच्चे हैं अभी उनको सिर्फ उड़ाया जाएगा, ठीक है। अभी वो बच्चा भी अभी तक उड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर फड़फड़ाया है बस, तो इसको उड़ाएंगे अभी। और जो इसके साथ वाला वाइट कलर में आपने देखा होगा जो पूरा वाइट है, उसको अभी नहीं उड़ाएंगे, वो थोड़ा इधर उधर होता है इसके वजह से, और कबूतर बहुत अच्छा है वो भी, तो अभी उसको उड़ाना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, उड़ाते फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। देखो गाइस, अभी कबूतर उड़ाते, ठीक है। ये देख लो। और दोस्तों, आपने टुकड़ी में उड़ते हुए नहीं देखा था, देखो ये जो 3 कबूतर हमने छोड़ा है वो टुकड़ी में ही चलाते हैं कबूतरों को। वैसे तो हमारे सारे कबूतर एक दूसरे को पहचानते अच्छे तरीके से, इसलिए टुकड़ी में ही उड़ते, लेकिन जब ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो भाई क्या पता टुकड़ी में उड़ते हैं कि कैसे। देखो, इस चीज़ की बात कर रहा था, देखें तुरंत उड़ाया और तुरंत ये लोग आ गए। और दोस्तों, इसके अंदर भी हमारे जितने भी पट्ठे थे, सिर्फ एक व्हाइट वाले को छोड़ के, वो सारे उड़ रहे हैं, आप देख सकते हो। देख लो दोस्तों, जो हमारे घर के पट्ठे भी जितने भी निकलते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग इधर उधर होने लगते हैं। और आपने एक जो गोला कबूतर है जो फैंसी टाइप में, और ये देखो किसी और का एक कबूतर आ गया, ये देखो दिखाता हूँ भी आपको, वो थोड़ा सा हाइट पे, ये वाइट कलर में इधर उड़ रहा है वो, क्या पता दिख रहा है कि नहीं, हमारे ये सब टुकड़ी में चल रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, आपने जो गोला कबूतर देखा था, वो ऐसा नहीं कि हमारे पास बिल्कुल उड़ता ही नहीं है, हमारे कबूतरों के साथ उड़ते उड़ते वो भी काफ़ी अच्छा हाइट पकड़ रहा है, ठीक है। देख लो, वो है तो फैंसी कबूतर, लेकिन काफ़ी अच्छा हाइट पकड़ ले रहा है, आप खुद ही देखो। गाइस ये देखो, काफ़ी कबूतर यहाँ पे है ही नहीं, काफ़ी ऊंचे पे है, लेकिन बस ये है कि वो लोग के उड़ने से कबूतर थोड़े जल्दी आ जाते हैं। देखो, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो, देख रहे हो दोस्तों, इसके अंदर हमारा वो पट्ठा भी है जिसकी उड़ान आप लोग बोल रहे थे, और एक यहाँ पे कबूतर हमारा पलटी मार रहा है, ये वो अलग हो गया है, हाइट पकड़ लिया वो कबूतर ने, टुकड़ी के साथ छोड़ दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आ जाएगा टुकड़ी में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पुराना कबूतर है वो हमारा।
ये यहाँ पे है और वो कहाँ पे भाई? वो ये रहा, ये देखो, ये अकेले उड़ रहा है ना, ये पलटी मार कबूतर है। दोस्तों इसमें सिर्फ 3 कबूतर ऐसे हमने उड़ाए हैं जो थोड़ा मतलब ऐसा उड़ते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं मारेंगे, ठीक ठाक उड़ान मारते हैं। और जितने भी इसके अंदर उड़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उड़ान वाले हैं कबूतर, लेकिन उसमें से भी एकाध कबूतर ऐसे हैं जिनका भी अच्छे से पर नहीं आया है। आपको पता ही होगा पट्ठे पे जो पर है अभी 0 कली में है, जो एक आपके सामने उड़ाया है और एक और हरा बच्चा उड़ाया है उसका भी पर बराबर नहीं है। एक कबूतर ने बहुत ज़्यादा आसमान पकड़ लिया है, इनके बीच में नहीं है, जो पलटी मार रहा था ना वो देखो ये रहा, अकेले चला गया है। कोई बात नहीं, बस यही रहता है कि कबूतर आसमान में घुस जाता है तो फिर इन लोग का अटैक और ज़्यादा इन पे होने लगता है, इसीलिए हमने छोड़ा था। दोस्तों अभी इसके अंदर भी कबूतर है, अब हमारे लॉफ्ट में भी कबूतर है, लेकिन हम लोग कबूतर इस समय निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या है अगर कबूतर निकाल देंगे तो जो हमने पट्ठे उड़ाए हैं वो कबूतर देख के आएंगे और हम ये नहीं चाहते। हमें भाई अपने छत पे कबूतर मतलब अकेला भी हो जाए तो रिटर्न वापसी कर ले। देख लो छत पे एक भी कबूतर नहीं खोल रखा है, लेकिन अंदर कबूतर बैठे हुए हैं, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो शायद दिख रहा होगा, ये देखो ये है और 3-4 मादिन है। और अभी दोस्तों हम धीमे धीमे ब्रीडिंग भी अपना स्टार्ट कर दे रहे, और देखो वो जो पलटी मार रहा था गाइस, जो ऊपर उड़ रहा है ना पलटी मार, उसके जो बच्चे निकले हैं वो अभी पलटी मारते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त उड़ते हैं। आप ध्यान देना इस टुकड़ी में ही उसके बच्चे उड़ रहे, बीच बीच में उनकी पलटी भी आती रहती है। अब ये लोग धीमे धीमे नीचे आ रहे हैं। क्या है गाइस अभी 0 कली के इसमें 2-3 पट्ठे हैं, उनको ज़्यादा उड़ाएंगे वो लोग थक के इधर उधर निकल सकते हैं, ठीक है। कबूतर को जब पहली बार उड़ाओ तो बस इतना देखना चाहिए कि जो कबूतर उड़ रहा है वो कम से कम आपका 7 पकड़ के उड़े। गाइस इसमें लग रहा है किसी और एक का कबूतर आया है क्या, क्या पता, अभी नीचे आन दो पता चलेगा। दोस्तों लग तो रहा है इसमें किसी और का कबूतर आया है, कबूतर खोल देते। गाइस क्लियर नहीं पता चल रहा है क्योंकि इसके अंदर हमारे खुद के 2-3 वाइट कबूतर है, एक कासनी भी है जो ऊपर जाने के बाद वाइट दिखता है, शायद हमारा ही होगा, देखो तो भी आने पे पता चलेगा। अभी एक दो तीन, क्योंकि एक भी कबूतर इधर उधर हट नहीं रहा है ना, किसी और का होता तो शायद हटता। गाइस और जो एक कबूतर था वो अभी भी ऊपर ही है, ये लोग भी ऊपर ही हैं लेकिन पहले से नीचे आ चुके हैं, ये देखो। कोई बात नहीं, किसी और का हो या अपना हो कोई बात नहीं, आता है तो आने देंगे, नहीं आता है तो भी क्या हो सकता है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। गाइस वो भी जो ऊपर कबूतर था वो पलटी मारते हुए इनके अंदर आ चुका है, वो दिखाता हूँ कहाँ गए, ये रहे इन्हीं के बीच में आ चुका है, वो भी थोड़ा सा इनसे ऊपर है बस। एक नहीं दोस्तों इसमें कोई किसी और का कबूतर नहीं है, सब अपने ही हैं, ऐसा लगा था मेरे को थोड़ी देर के लिए।
भाई जो हमारा एक गोला कबूतर है जिसके पैर में भी बाल है वो भी काफी अच्छा उड़ रहा है, आप देख सकते हो। और कबूतर हमने खोल दिए हैं लेकिन देखो एक भी कबूतर भी नहीं निकले, एक बच्चा बैठा हुआ है और शायद 3 या 4 मादी हैं, एक का बच्चा निकल गया है जिसने पहली बार अंडा दिया था और 3 कबूतरी हैं जिन्होंने अंडा दिया है, तो उनका एक एक अंडा छोड़ देंगे क्योंकि काफ़ी अंडा हमने हटा दिया था तो एक एक छोड़ देंगे, थोड़ा अभी ब्रीड लेंगे कबूतरों से। दोस्तों देख रहे हो आवाज़ वाज कुछ नहीं मारना, आवाज़ मारेंगे तो तुरंत कबूतर आ जाएंगे, लेकिन इनको खुद से बैठने दो, ना कबूतर देख के ना कुछ। और हम लोग भी छत पे आराम से बैठे हुए हैं, इससे क्या है कबूतर अपना घर अच्छे से पहचान जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता। और आपको ये कबूतर देखो जो आसमान में अभी उड़ रहा है ना, ये वाला बहुत तेज उड़ रहा है सुना। गाइस हमें आप जरूर बताना कि वो जो कलसेरा बच्चा था वो कैसा उड़ रहा है। देख लो सब टुकड़ी में उड़ रहे हैं कबूतर, ये देखो ये 2 फीमेल अभी निकली और ये देखो एक की वापसी, आत्मान गुटकने लगा और सारे टुकड़ी में उड़ रहे हैं। ये देखो गाइस ये हमारा, इसको बोल रहा था गोला कबूतर फैंसी टाइप में, देख रहे हो इतना बढ़िया उड़ रहा है इस समय पे। ये एक और कबूतरी आई, देखो अभी भी जो कलसरा पट्टा है वो आया नहीं है, ये रहा ये अभी आके बैठ गया, इसी का बच्चा है दोस्तों, वो जो कलसेरा बच्चा है जिसकी उड़ान आप लोग बोल रहे थे भाई दिखाओ, ये देखो ये आ रहा बैठने, ये बैठ गया आके, सारे आ गए क्या दोस्तों, एक उड़ रहा है अभी, ये देखो ये पलटी मार कबूतर है हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों आप लोग जरूर बताना कि आप लोग को कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने स्पेशली ये जो पट्टा है कलसेरा पट्टा, मैंने इसके लिए उड़ान की वीडियो बनाया था और इन कबूतरों के साथ उड़ाया था, क्योंकि क्या है ये कबूतर थोड़ा ऐसा उड़ेंगे कि मेरे को दिखाई दे, और अगर इन लोगों के साथ ऐसे ही उड़ा देता तो भाई इनके साथ में ये बच्चा भी आसमान बंद हो जाता और निकल भी सकता था, तो पहली बार में ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पता है मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक है ये देखो ये रहा दोस्तों, काफी अच्छा बच्चा निकला है। गाइस आपने देखा कि उस दिन हमने कबूतर उड़ाया था तो कबूतर आसमान में पता भी नहीं चल रहे थे, और आज सारे के सारे कबूतर आसमान में पता चल रहे थे, ऊंचाई पे गए थे कबूतर लेकिन आसमान में बंद नहीं हुए थे, आसमान में गायब नहीं हुए थे, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह है ये जो एक गोला कबूतर घुटक रहा है, ये है एक जो ब्लैक कबूतर उधर है और एक और है कलदुमा कबूतर वो है। ठीक है गाइस ये जो 2 कबूतर हैं इनमें वो तो ब्रीडिंग हम लोग उससे करवाते हैं, और ये कबूतर अभी सिंगल रखा है, ये गोला कबूतर है, गोले ज़्यादा ऊंचाई नहीं जाते, ये आपने जितना उड़ान में देखा कि ये इतना ऊंचाई चला गया भाई, ये समझ लो इन कबूतरों के वजह से ये इतना ऊंचाई पकड़ लिया। ठीक है क्या इन उड़ते उड़ते इसकी भी आदत हो गई है, धीमे धीमे ऊंचाई पकड़ रहा है। तो दोस्तों अब क्या है हमेशा अब ऐसा उड़ान देखने में मज़ा नहीं आता कि कबूतर उड़ाओ गायब हो जाए, कभी कभी ऐसी भी उड़ान देखनी चाहिए जो कबूतर दिखते रहे उड़ते रहते हैं झुंड में टुकड़ी में, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ठीक है और इनके वजह से बहुत सारे फायदे भी रहते हैं, अगर आप सिर्फ हाई फ्लाई रखे रहोगे तो उनको फ़र्क भी थोड़ा कम दोगे, क्योंकि अगर कबूतर छत छोड़ दिया
तो फिर समझ लो वो उड़ेगा पूरा, उसके बाद नीचे आते हैं अगर अच्छी नस्ल का कबूतर है उड़ने वाला। और अगर ये रहते हैं तो थोड़ा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों अपने छत पे एकाध कबूतर ऐसे भी रखने चाहिए जो एकदम समझ लो मीडियम उड़ान दें, ना एकदम ज़मीन के नीचे उड़े और ना छत के बराबर एकदम ऊंचाई पे उड़े, लेकिन कबूतर आसमान बंद ना हो और टुकड़ी बना के चले, ऐसे भी कबूतर रखने चाहिए हमें, ठीक है। जो भाई ने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसको दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो गाइस इंस्टा पेज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्यों बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपके जो भी डाउट हो, आपके जो भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को वहाँ पर्सनली बता सकते हो। और जो इनके अच्छे अच्छे पिक्स हैं, पहले मैं इंस्टा पे अपलोड करता हूँ तो आपको देखने को बहुत सारे पिक मिल जाते हैं जो यूट्यूब पे उतना नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।